तरीके के लोग होते हैं, एक राजनीतिक व्यापारी होता है और एक राजनीतिक सेवक होता है। सुरेंद्र पटेल राजनीति का सेवक है और हम पूरी जनता से अपील करते हैं। सेवापुरी से मैंने आज नामिनेशन किया है और देश के पूरे 135 करोड़ लोगों से अपील करता हूं कि जहां जहां भी राजनीतिक व्यापारी हैं उनकी जमानत जब्त कराइए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और वो राजनीति में व्यवसाय कर रही है। 135 करोड़ लोगों को धोखा देने वाली ये पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है, अपने संकल्प पत्र को न पूरा करने वाली ये पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही धोखा दिया है लोगों को, नौजवानों को बर्बाद कर दिया उनकी जवानी, 2 करोड़ नौकरी के नाम पे, महंगाई के नाम पे पूरे देश की जनता को धोखा दिया, काले धन के नाम पे सबका पैसा ले लिया और अपना भारतीय जनता पार्टी का 950 कार्यालय बनाया। जितना 70 साल में सभी राजनीतिक दलों ने झूठ नहीं बोला है उतना झूठ भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया 7 साल के अंदर, और इसका जवाब देगी जनता। योगी जी का गर्मी जो बता रहे हैं निकाल देंगे जनता के, उसको कैसे देख रहे हैं? योगी जी के लिए उत्तराखंड बना हुआ है, वहाँ ठंडा है और हम तो कहेंगे कि अगर जिसको ज्यादा गर्मी है वैसे ही ठंडे की तरफ से बढ़ता चला जाए, हिमालय तक चला जाए। बुलडोजर को क्या कहें हम, ये जनता की ताकत है, वो वही योगी जी हैं जो आप देख रहे होंगे लोकसभा में क्या कह रहे थे। तो बुलडोजर क्या है, यहीं बनारस में बुलडोजर नहीं चला पाते हैं क्या? बनारस में जौनपुर में बुलडोजर नहीं चल पा रहा है, कहाँ गया वो बुलडोजर बनारस में जो जौनपुर में चलने वाला है? उस बुलडोजर को हम पत्रकार बंधुओं से पूछते हैं कि कहाँ है वो बुलडोजर, आप लोग तो बताओ ना, उनको दिखाओ कि वो बुलडोजर बनारस में भी चले। बनारस में कौन माफिया है, कौन गुंडा है, उसका उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार लिस्ट जारी करे। आपकी सरकार आएगी तो किस तरह का बुलडोजर चलेगा? हमारी सरकार आएगी तो समाजवादी पेंशन देगी, हमारी सरकार आएगी तो लैपटॉप देगी, हमारी सरकार आएगी तो किसानों के लिए जो नहर और ट्यूबवेल का पानी फ्री था अब समस्त किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी, हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, हमारी सरकार आएगी तो 500 जो समाजवादी पेंशन था वो 1500 मिलेगा, और इनकी सरकार आएगी तो अपने लोगों के लिए सेफ, अपने लोगों को सेफ रखेगी और बाकी लोगों के लिए बुलडोजर रखेगी। तो इस बार जनता का बुलडोजर बीजेपी पे चलने जा रहा है। जनता डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।